छात्र परेशान है, टीचर परेशान है, जानकारी परेशान है। ये बताइए किस मोराल पर दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अपने गद्दी पे बैठे हुए हैं, उनको सरकार पर छोड़ना चाहिए। और हम मांग करते हैं यूजीसी के चेयरमैन उनसे बात करें, हमारी मुद्दों को सुने और विराट साथियों को तत्काल वन टाइम एग्जॉप्शन करके परमानेंट अपॉइंटमेंट करें, जिससे कि समस्या सुलझे, जिससे कि बढ़िया तरीके से अच्छी क्वालिटी के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन हो सके। लेकिन यूजीसी से पहले संवाद हुआ था, उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किए थे, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर उनको मानने के लिए बाध्य नहीं है, ना कुछ पे अब तक कोई कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई है। इसके अलावा अध्यापन का डिमांड है हमारा, जिस पर अभी कोई बात नहीं हुई है, वो हम चाहते हैं यूजीसी सुने और दिल्ली विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर डायरेक्टर गए कि वो अध्यापन करे। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर मजबूर है, वो MHRD की बात नहीं सुनता, यूजीसी की बात नहीं सुनता। ये बताइए कि किसको सुने। देखिए, आज मुख्य तो है UGC का एक रेगुलेशन लाए, वन टाइम सरकार रेगुलेशन लाए, जिससे 4000 के ऊपर जो हमारे एडहॉक टीचर हैं उस रेगुलेशन के तहत इस यूनिवर्सिटी में एब्जॉर्ब हो जाए। उसके साथ साथ हमारे यूनिवर्सिटी में 28 वर्ष का टीचर था, DWS का पोजीशन था, सेकंड ब्रांच का पोजीशन था, हमारे काउंटिंग ऑफ पास सर्विस चल रहा था। ये सारे मुद्दे और पेंशन के मामले में भी सरकार हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है। सर, तो क्या वजह है कि आप लोग सड़कों तक आना पड़ गया, क्यों नहीं बात मानी जा रही है? खाली सड़कों नहीं, लास्ट 15 दिन से हम लोग दिन रात खुले आसमान के नीचे इस वेदर में सो भी रहे हैं। तो अभी क्या लग रहा है कि क्या यूजीसी पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हम चाहते हैं कि प्रभाव पड़े। HRD मिनिस्ट्री से क्या? अभी HRD मिनिस्ट्री से न्यू सेक्रेटरी आने के बाद हमें नहीं बुलाया। Thank you.